युग बेटा स्कूल से ले आई थी और जब युग स्कूल में था तब मैंने मक्खन निकाला था घर में मलाई से। और मेरी वीडियो है मेरे चैनल पे, आप एंड स्क्रीन पर देख लेना, मैं दे दूंगी लिंक, नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो उसी में से मक्खन निकालने के बाद जो पानी बचता है, जो लस्सी आप बोल सकते हैं, उसमें से मैं पनीर निकालती हूँ। तो वो कैसे निकालती हूँ आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो ये देखिए, मैं उसी में से पनीर निकाल रही हूँ। तो इस तरीके से ये पनीर बन जाता है। मतलब मैं मक्खन बनाती हूँ, फिर घी भी बना लेती हूँ, और फिर जो है मैं ये पनीर भी बना लेती हूँ। तो ये इतना सब कैसे होता है आप वीडियो में जा के ज़रूर देखना। तो इस पनीर को मैं जो है फ्राई करके भुज्जी बना लेती हूँ, या जैसे भी करना होता है मैं वो कर लेती हूँ। तो हफ्ते में एक बार, वैसे हम बाहर से भी ले आते हैं पनीर, बट हफ्ते में एक बार तो ये पनीर जो होता है ये तो बनता ही बनता है घर में, क्योंकि घर का पनीर होता है और बिल्कुल भी ये खट्टा नहीं होता है। बहुत बाहर के पनीर से बहुत अच्छा होता है ये, क्रीमी क्रीमी बड़ा अच्छा होता है। तो मैंने इसकी वीडियो भी डाली हुई है। और ये देखिए, इस तरीके से मैं डब्बे में इसको शेप दे देती हूँ और ये फिर इसी शेप का निकलता है। कुछ लोग कपड़े में भी बांध देते हैं, और मैं इस तरीके से इसको डब्बे में पैक करके रख देती हूँ फ्रिज में, और फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ। नेक्स्ट डे मैं इसको बना लेती हूँ, भुज्जी टाइप बना लेती हूँ। और इस पानी को जो है लस्सी बोलते हैं ना इसको, तो इसको भी मैं छान लूँगी, और जो बचा हुआ पनीर है वो भी मैं उस डब्बे में डाल दूँगी, और फिर डब्बा बंद करके एयर टाइट कंटेनर में मैं फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी। तो ये देखिए, ये निकला है अभी भी, तो ये बड़ा क्रीमी होता है। कुछ लोग इसमें नींबू डालते हैं, क्या क्या डालते हैं, बट मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती हूँ और फिर भी ये पनीर निकल जाता है। तो आप प्लीज़ देखना मेरी इस मक्खन वाली वीडियो को ज़रूर, मैं एंड स्क्रीन पर लिंक आपको पक्का दूंगी। और ये देखिए, इसमें डाल दिया है मैंने, और अब इसको मैं अच्छे से वही आप चम्मच से भी कर सकते हैं, मैं फिंगर्स से कर देती हूँ। इस तरीके से बंद कर दिया है, और अब मैं इसका फ्रिज में रख दूँगी स्टोर करके, और नेक्स्ट डे इसको बना लेंगे या शाम में भी बना सकते हैं। तो अब मैं जो है युग को खाना वाना खिला के, अब मैं शाम को उसके लिए थोड़ा नींबू पानी भी बना रही हूँ, और नींबू पानी डेली बनाती हूँ मैं। तो ये युग को हो रहा था कि बस जल्दी जल्दी दे दो मुझे पानी, दे दो मुझे, उसको अच्छा लगता है डेली पीना, और इस गर्मी में तो पीना भी चाहिए। वैसे अब तो सावन आ गया है और लू में तो ज़रूर नींबू पानी पीना चाहिए, और मैं तब से ही बना रही हूँ जब से गर्मी का मौसम चला हुआ है। डेली मैं बनाती हूँ शाम में, नमक और चीनी का घोल बनाती हूँ, फिर नींबू डालती हूँ। मैं सिर्फ मीठा नहीं बनाती हूँ या फिर नमकीन नहीं बनाती हूँ, दोनों को मिक्स करके बनाती हूँ। उससे गर्मियों में चक्कर भी नहीं आते हैं, और वैसे भी एक मतलब जैसे ORS टाइप हो जाता है ना, उस टाइप का बन जाता है और बड़ा टेस्टी लगता है बच्चों को भी, और मैं अपने हस्बैंड के लिए भी रखती हूँ। शाम को जब वो आते हैं रात को तो उनको भी मैं देती हूँ। तो ये मैंने नमक डाला है, चीनी की है, और युग को हो रहा था बस दे दो मुझे फटाफट पानी बना के, और सारा काम वाम करके फिर मैं अब आपसे बात करूँगी। और अभी मैं इसमें नींबू और स्क्वीज करके जो स्क्वीज़र होता है लेमन स्क्वीज़र, उससे डालूँगी, तो उससे अच्छे से सारा इसका जो रस होता है वो निकल जाता है नींबू का। और ये मेटल का मेरा है स्क्वीज़र, तो इससे अच्छे से हो जाता है। लकड़ी का भी अच्छा करता है, बट जो स्टील का होता है ना वो इतना अच्छा काम नहीं करता है। तो मैंने दोनों लकड़ी का और ये बड़ा अच्छा काम करता है, अच्छे से नींबू को जो है स्क्वीज़ कर देता है ये।
ये देखिए इस तरीके से मैं छान लूँगी इसको, जो बीज वगैरह, क्योंकि मैंने बाद में जो बच्चा बच जाता है स्क्वीज़र से करने के बाद भी, तो मैंने वो किया था तो इसमें थोड़ा सा वो निकल गया था, और युक को वो अच्छा नहीं लगता है। वैसे पी सकते हैं उसको भी, बट मैं छान लेती हूँ क्योंकि युक को नहीं अच्छा लगता है वो। और अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ठंडा, क्योंकि चीनी जो है नॉर्मल पानी में हम मिला सकते हैं, ठंडे पानी में चीनी जल्दी से नहीं मिलती है। तो अब मैं ठंडा पानी थोड़ा ऐड करूँगी इसमें और नॉर्मल पानी बनाऊँगी, ज़्यादा ठंडा भी नहीं पीते हैं हम और पीना भी नहीं चाहिए। तो इस ग्लास में ही युक पीता है, उसको इसी में अच्छा लगता है। ये सिपर भी है उसका, बट उसको आजकल इसी में अच्छा लग रहा है जब से मैं लाई हूँ। तो आप भी पी लीजिए नींबू पानी, आप भी ज़रूर बनाया कीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल चित्रस कॉर्नर। मैं हूँ आपकी अपनी चित्रा, और कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज पूरा दिन बारिश हुई है, और डेट मैं आपको आज बता दूँ, आज है 18 जुलाई और दिन है थर्सडे, और धूप भी निकल रही है, शाम के बज रहे हैं, 6 बजने वाले हैं, और अभी तक सूरज जो है दिख रहा है। तो मैं आज आपसे किस बारे में बात करने वाली हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ अपनी एक सब्सक्राइबर के बारे में। जी हाँ, जिस तरीके से आजकल बरेली का केस चल रहा है, जिसमें कि अजितेश और साक्षी करके हैं, जो कि साक्षी जो है बीजेपी विधायक जी की बेटी है बरेली की, और उनकी बेटी ने एक लड़का जो कि उसके भाई का दोस्त था उनके साथ जो है भागकर शादी कर ली, ऐसा कुछ केस चल रहा है आजकल, आपने भी सुना होगा। तो उस केस को सुनकर कल मुझे सडनली अपने एक सब्सक्राइबर की बात ध्यान आई कि उन्होंने मुझसे लाइव में शेयर किया था कि दी ऐसे ऐसे हो गया और मैं काफ़ी परेशान हूँ। और तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं उनके बारे में कुछ बोलूँ, अगर मेरे कहने से किसी दो लोगों तक भी ये बात पहुंचती है तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, उनके लिए भी अच्छी बात होगी, अगर उन्हें समझ में आता है कि भाई ये चीज़ जो होती है वो गलत होती है। कि चलिए मानना कि भाई पेरेंट्स की मर्ज़ी से ही बच्चों को शादी करनी चाहिए, बट अगर बच्चे ने शादी कर ली है और वो बालिग है और उसने भागकर शादी कर ली है, वो जो है दलित परिवार से हैं, जो अजितेश हैं, जो जिनका केस है वो दलित परिवार से है और उन्होंने भाग के शादी कर ली है, तो वो मतलब उनका केस तो मतलब चलिए चल रहा है वो तो। बट मैं आज बात कर रही हूँ अपने सब्सक्राइबर की कि वो भी कुछ साल वाल मुझे मालूम नहीं है कि कब क्या हुआ, बट उन्होंने शादी कर ली थी, वो भी शायद भाग कर शादी करी थी उन्होंने, और उनका बच्चा भी है, लड़का है कि लड़की है मुझे ध्यान नहीं है, बट उनका बच्चा है 1-2 साल का। और वो दोनों, वो तीनों लोग बड़े खुशी खुशी रह रहे थे, बट सडनली पता नहीं क्या हुआ उनकी लाइफ में कि उनके पेरेंट्स ने उनसे जो है बिल्कुल दूरी बनाई तो रखी थी, तो जब वो उन्होंने कभी बात करी होगी तो उनके पेरेंट्स ने बोला कि हम आपसे फिर से मतलब आपको अपना लेंगे, बट आपको अपने हस्बैंड को छोड़ना पड़ेगा। तो ये कहाँ की समझदारी हुई, ये मुझे नहीं लगता ये कुछ ठीक किया है उनके पेरेंट्स ने। नाम मैं नहीं बता सकती हूँ अपने सब्सक्राइबर का, क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मैं नहीं चाहती इस वीडियो के थ्रू किसी को मालूम चले कि मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ। बट उनके पेरेंट्स ने मैंने मेरे से भी उन्होंने बात की थी, तो मैंने उन्हें समझाया था कि देखो आप लाइफ आपको अपने हस्बैंड के साथ बितानी है और अब तो आपका बच्चा भी है तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए उनको, बट क्या करें। फिर एक बार फिर मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनसे पूछा क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, तो उन्होंने मुझसे शेयर किया कि दी मेरे पेरेंट्स ने हमें क्लियर बोल दिया और अब मैं छोड़कर जा रही हूँ अपने हस्बैंड को, और उन्होंने छोड़ दिया अपने हस्बैंड को और अपने बच्चे को अपने साथ लेकर गई हैं, और अब वो जॉब कर रही हैं और बच्चा उनके पास ही है, बट वो खुश नहीं है। बोल रही थी मुझे कि दीदी मैं खुश नहीं हूँ,
मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ, छोड़ तो दिया है मैंने, और अभी मतलब डिवोर्स रह रहे थे तो दी, मैं क्या करूँ। मैंने उन्हें तब भी कहा कि देखो कल को क्या होगा, पेरेंट्स या तो आपकी दूसरी शादी करेंगे, दूसरी शादी करेंगे तो वो जो बच्चा है वो सफ़र करेगा, उसे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो क्या कर सकते हैं। वो भी बेचारी जो हैं दोनों तरफ से, उनके हस्बैंड भी जो हैं वो भी दबाव में आके उन्होंने भी ये फैसला ले लिया कि चलिए हम अलग हो जाते हैं, अगर पेरेंट्स इसी से खुश हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। बट जब शादी हो गई है और एक सिर्फ एक कास्ट की वजह से एक दूसरे को नहीं अपनाते हैं, पता नहीं क्यों इंडिया में ये कास्ट को लेकर इतना ज़्यादा पार्शियलिटी वगैरह है लोगों में, सब इंसान है ना। तो बस मुझे यही डिस्कस करना था। और जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर एक बंदा भी मेरी वीडियो देखकर कुछ समझ जाता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग कि आपको क्या लगता है, ये करना सही है या गलत है। मुझे तो ये गलत लगता है कि सिर्फ एक कास्ट के पीछे दो, मतलब एक कपल को आपने अलग कर दिया, बहुत गलत हुआ है उनके साथ। और ये जो साक्षी और अजितेश जी का भी केस चल रहा है उसके बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, अभी तो उनका चल ही रहा है, पता नहीं कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। साक्षी जो है वो अपने भाई के बारे में बोल रही हैं कि वो उन्हें काफ़ी गलत गलत बोलता था ये वो, तो उस केस से मुझे अपने सब्सक्राइबर की ये बातें ध्यान आई, वरना होता है माइंड से निकल जाती हैं बातें, बट मुझे नहीं अब लगा है कि मुझे ये आप लोगों से शेयर करनी चाहिए बात, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। और तो इतना ही मुझे आज आपसे बताना था, शेयर करना था कुछ जो मेरे मन में चल रहा था। तो थैंक यू सो मच, और कल मिलते हैं नई वीडियो में। और प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को अगर अच्छी वीडियो लगी है तो, और शेयर कर देना, और लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, टेक केयर।